नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। शासकीय स्कूल भवन विद्युत पोलों में जहां खुलेआम बैनर पोस्टर लटकते नजर आ रहे हैं, वहीं सड़कों के किनारे खुलेआम बाल पेंटिंग आदर्श आचार संहिता का मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसके संबंध में कुछ नेताओं ने विरोध जताया है और निर्वाचन आयोग में शिकायत करने की भी बात कही है। हम आपको बता दें, रीवा जिले में आदर्श आचार संहिता लगे हुए तकरीबन एक महीने का समय बीत चुका है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रशासनिक टीम भी जगह जगह निरीक्षक और भ्रमण कर रही है। इसके बावजूद भी मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता नजर आया है। यहाँ खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार शासकीय भवन, स्कूल और विद्युत पोलों में नजर आ रहा है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। आचार संहिता का उल्लंघन है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रशासन पूरी तरह से कार्य करना चाहता है। मैं कहना चाहूँगा, जहाँ भी बैनर पोस्टर ऐसा जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो, उसे हटाया जाए और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए। चुनाव आयोग तो फेयर है ही नहीं। अगर फेयर होता तो जो पोस्टर और जो यात्री प्रतीक्षालय बने हैं, उनके कलर, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उसमें उनका कलर भी पुताना चाहिए। पर आप करह से लेके शाहपुर तक चले जाइए, शासकीय पोलों में भी अभी भी भाजपा नेताओं के पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं, जो ये गलत है और इसमें कार्रवाई होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग भी आज वीडियो लेके आए हैं उसका, और चुनाव आयोग के ऐप में इसकी शिकायत करेंगे।